एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में जो चर्चा होगी ये दूसरी वीडियो है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आप लोगों की क्वेरीज थी उसमें अपर निजी सचिव के बारे में कम समय में सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, और साथ ही साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का फॉर्म कब तक आ सकता है लोक सेवा आयोग से, इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो बताया जाएगा, और ELT ग्रेड और प्रवक्ता की तैयारी में लग जाइए क्यों लग जाइए इसकी भी चर्चा होगी इस वीडियो में। परीक्षा योजना क्या है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, APS की यानी कि अपर निजी सचिव की, जिसको जो 60 नोटिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर के सेकंड वीक तक जो ये फॉर्म जो है निकल जाएगा, तो उसमें 300 पद हैं, और वहीं जो है RO के लिए जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। तो उसकी चर्चा कभी नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी RO को लेकर के। आज की वीडियो में ये तीन चीज़ें देखेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। मसला ये नहीं है कि वीडियो जो है कितनी पड़ रही है चैनल पर, मसला ये है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि जब फॉर्म आए तभी आप तैयारी शुरू करें, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है, उसको आप अवलोकित करिए, देखिए, सुनिए, उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाइए। बाकी अगर उसमें आमूलचूल कोई परिवर्तन होता है तो वो भी अपडेट आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें, और बेल आइकन को प्रेस किए रहें। जब भी वीडियो अपलोड होगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। अपर निजी सचिव के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद में, उसमें आपको सुबह की वीडियो में बताया गया था कि इसमें दो से तीन चीज़ों के जो है एक चुनाव के लोग के निर्णय हो सकता है, महिलाओं को लेकर के जो है उस पर चर्चा हो सकती है, और कॉमन सिविल कोड पर भी चर्चा हो सकती है। विशेष सत्र अब तक कितनी बार बुलाया गया, तो 5 बार बुलाया गया है संसद का विशेष सत्र। सबसे पहले जो बुलाया गया था विशेष सत्र उसके बारे में जान लें कि 1947 में बुलाया गया था जब आज़ादी का जो था वो पहला सत्र था। उसके बाद 1972 में बुलाया गया था जब रजत जयंती मनाई गई थी, 25वीं वर्षगांठ थी उस समय। फिर उसके बाद भारत छोड़ो एक आंदोलन की जो 50वीं वर्षगांठ थी 1992 में, तब मनाया गया विशेष सत्र बुलाया गया था। और उसके बाद 1997 में बुलाया गया था, और 2017 में GST को लेकर के विशेष सत्र जो है बुलाया गया था आधी रात को जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। तो 5 बार बुलाया गया था, फिर संसद के विशेष सत्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं जो टॉपिक है। तो टीचर्स में आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव पद के लिए जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया हिंदी आशुलेखन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जान लीजिए कि तो स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो है CCC होना चाहिए, और उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद शार्ट हैंड आनी चाहिए। शार्ट हैंड के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पदों की संख्या 300, काफ़ी अच्छी पद जो है APS में 300 बहुत पद होते हैं, और इसमें टंकण आना चाहिए। अब यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए हिंदी टंकण में, इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। हिंदी यदि आती है तो इंग्लिश में जो होता है थोड़ा एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह दिया जाएगा, और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है जो हिंदी टंकण में। और जो अपन निजी सचिव पद 80 शब्द प्रति मिनट ये जो है आशुलेखन में है, वहीं जो है ये भी अपेक्षा की जाती है 5 मिनट की अवधि में जो जो हिंदी गद्यांश बोले जाएंगे टाइपराइटर द्वारा जो उसका लिप्यांतरण कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें दी गई। अंग्रेजी आशुलेखन अगर है तो उसके लिए भी अलग से टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है शार्ट हैंड आना चाहिए। शार्ट हैंड आने के लिए जो है बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय सीखते हैं, बहुत लोग जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस अधिक लगता है। सिलेबस जो यहाँ पे दिया गया 100 अंक का जो है, 100 अंक 2 घंटे का टाइम है। ये 32 प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें से एब्रीवेशन यानी कि शब्द संक्षेप वगैरह का प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, कुल मिला के स्टैटिक GK के टाइप के जो है ये क्वेश्चंस बनेंगे 32 प्रकार के होंगे जो पहला पेपर होगा। और ये अंक जो डिवाइड किए गए टोटल 100 अंक के होंगे। जागरफी वगैरह जो होगी वो UP स्पेशल होगी, और भारत से संबंधित होगी। वर्ड जागरफी नहीं पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में जानना है, खेल जगत के बारे में जानना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा सामान्य हिंदी का होगा, ये 3 घंटे का होगा, 100 अंक इसमें भी होंगे, लेकिन ये निबंधात्मक जो होंगे ये प्रश्न होंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, जिसमें जो है जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का होता है उसी टाइप का जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। अपठित गद्यांश होंगे, संक्षेपण होगा, पत्रकारिता, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विभिन्न शब्दों का एक शब्द, ये सब दिया गया। 100 नंबर के ये भी होंगे, तो प्रश्न पत्र सेकंड हो गया। तीसरा जो होगा वो आशुलेखन का होगा, जिसमें 135 अंक अधिकतम होगा, और उसके बारे में चर्चा कर ली गई कि जैसे करेंगे उसी अनुसार जो मार्क्स मिलेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि बोला जाएगा, उसके अपने शार्ट हैंड में लिखेंगे, फिर जो लिखेंगे उसी पेज को टाइप करना होगा, फिर वो टाइप जो निकलेगा पेज उसी पेज से वो मिला लेंगे कि आप कितना सही लिखे थे, कितना सही टाइप किए हैं। प्रश्न पत्र 4 जो होगा हिंदी टंकण को लेकर के, इसमें अधिकतम अंक जो है 15 अंक होंगे, और यहाँ पे हिंदी टंकण की परीक्षा जो है 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना आवश्यक होगा, और इससे कम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का पद हेतु हर नहीं माना जाएगा। तो मिनिमम 25 शब्द जो है आना चाहिए टाइप करने के लिए, और प्राप्त करने के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि टाइपिंग कम समय में कर लिए 3 मिनट 2 मिनट में या 4 मिनट में, तो उसके बाद के जो 1 मिनट का टाइम रहता है उसमें और टाइप कर लेते हैं तो उससे प्लस अंक मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नुकसान वगैरह होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्लस रहती हैं। तो ये APS का जो है सिलेबस है।
फिर यहाँ पे जो वैकल्पिक के तौर पर प्रश्न पत्र 5 है जिसके बारे में चर्चा करते हैं, शुरू में इंग्लिश को लेकर के तो अधिकतम ये 50 अंक का होगा। इसमें वाक्य शुद्धिकरण, रिक्त स्थान पूर्ति, ये चीज़ें अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी करके टोटल 50 अंक ये दिए जाएंगे। इसको करना न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कम लोग जो है इसको करते हैं क्योंकि एक ही मूल से रहते हैं तो इसके बारे में कहाँ ध्यान दे पाएंगे। अंग्रेजी आशुलेखन होगा अधिकतम 135 अंक, अंग्रेजी टंकड़ होगा, इनके संबंध में विज्ञापन जो है उसमें पूरा डिटेल दिया गया। उसके बाद जो प्रश्न पत्र 8 होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले अपने आप की जान लीजिएगा अगर कंप्यूटर ज्ञान आपके बारे अच्छे खासे हैं तो 100 अंक का होगा जो 1.5 घंटे का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा होगी तो इसमें बेसिक नॉलेज जो वर्किंग ऑफ विंडोज़ का होगा, लिनक्स का, ऑपरेटिंग का, उसमें देखिए डिवाइड किया गया 20 अंक का होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का 25 होना, वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट होना चाहिए, कन्वर्सेंट होना, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग की होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन का यानी कि पावर पॉइंट होना चाहिए, एमएस एक्सेल का होना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट होना चाहिए, लिनक्स का होना चाहिए, प्रिंटर का होना चाहिए, माइक्रोफोन का होना चाहिए, ये सब नॉलेज वर्ल्ड वाइड वेब का होना चाहिए यानी WWW की वेबसाइट के बारे में सारे ओपन कैसे करते हैं, कैसे खोलते हैं, उसका .com क्या होता है, .in क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। तो 100 अंक के पेपर 1.5 घंटे में करने होंगे, उसको करने के इन द सेंस क्या होगा, लिखना भी पड़ेगा और उसमें बनाना भी पड़ सकता है, तो ये चीज़ें जो है कंफर्म इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ऐसे ये परीक्षा होती है प्रश्न पत्र 8 जो है, बाकी इंग्लिश के लिए जो है वो चीज़ें होगी। तो APS के बारे में आप समझ गए होंगे, बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आया तो उसके वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोशिश ये की गई कि सारी चीज़ें कम समय में आपको बता दी गई, यही पूरा APS का हो। सेकेंड वीक में सेप्टेंबर के फॉर्म आ जाएगा। परीक्षा की बात कर लेते हैं, कब तक परीक्षा होगी, तो परीक्षा ये मान के लिए आयोग की कार्यप्रणाली को देखते हुए जिस तरह से 9 महीने के अंदर जो है PCSJ 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया, PCSJ 2022 का परिणाम जो है तय समय से पहले जारी किया गया था, उसी प्रकार PCSJ23 की प्रक्रिया भी तेजी के साथ हो रही, तो इससे ये पूरा अनुमान लगाया जाता था जो कार्यप्रणाली है लोक सेवा आयोग की, नवंबर के लास्ट वीक में ये एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। APS का अपर निजी सचिव का काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 300 पदों पे जो है ये विज्ञप्ति जारी होगी, जैसा कि शॉर्ट नोटिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी दिन पहले ही अवगत करा चुका है प्रतियोगी छात्रों को। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात कर लेते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, कहीं वो वीडियो नहीं मिलेगी ब्लॉक एजुकेशन की चर्चा, लेकिन आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो जानकारी प्राप्त है उससे बता दें कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हो सकता है दिसंबर माह में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस यही होता है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो होता है वो प्रश्न पत्र जो होते हैं 120 अंक के होते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 300 अंक होते हैं, प्रश्नों की संख्या 120 होती है, और यहाँ पे टोटल ये दिया गया है कैसे कैसे क्या है, पूरा जो है प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, गणित बीज गणित रेखा गणित, एक ये सेक्शन रहेगा और एक सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता रहेगी, बाकी अद्यतन सभी लोग जो है सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते रहते हैं यानी कि जनरल स्टडी के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो ये चीज़ें यहाँ पे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय कृषि है, भारतीय राजतंत्र है, ये सब चीज़ों की पढ़ाई PT के लिए करना रहेगा, और ये चीज़ 120 क्वेश्चंस होंगे 300 अंक के होंगे। उसी तरह मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में 3-3 घंटे का टाइम होगा, सामान्य हिंदी और निबंध होंगे, 200 अंक में डिवाइड होंगे, और इसमें मुख्य परीक्षा में कुल 400 अंकों के, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की रचना है तो जो प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा उसमें अंकों का विभाजन प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी, उसी अनुसार जो उसको डिवाइड किया जाएगा। द्वितीय खंड जो होगा उसमें 100 अंक के होंगे जिसके हिंदी निबंध होंगे, और हिंदी निबंध के अंतर्गत जो टॉपिक होंगे 2 टॉपिक पर लिखना होगा जिसमें साहित्य संस्कृति यानी कि पहले के अंतर्गत तो राष्ट्रीय विकास हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, दूसरे में विज्ञान पर्यावरण हो सकता है, कृषि उद्योग और नेचर डिजास्टर पर जो है ये एसेज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस हैं, तो सिलेबस आप जान गए, परीक्षा के फॉर्म कब तक आ सकते हैं इसके बारे में भी टेंटेटिव जो माह है वो जो जानकारी प्राप्त हुई दिसंबर तक जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का आ जाएगा। सबसे बड़े क्वेश्चन आप लोगों के ये थे कितने पदों पर आएगी, तो आपको पहले भी बताए थे अब भी बता दे रहे हैं कि ये पदों की संख्या 120 से 135 के अंतर्गत ही रहेंगे पद, इससे इतर पद नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा इंतजार करिए, यकीन तो अभी आप करेंगे नहीं, यकीन जब ये नोटिस आएगी विज्ञप्ति तो आपको यकीन हो जाएगा, हाँ एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमको 1 से 2 महीने पहले ही मिल गई थी, तो ये मान के अपनी तैयारी करें। अब सबसे लास्ट में जो है LT ग्रेड और प्रवक्ता के बारे में जो बहुत सारी क्वेरीज होती है कि इसका फॉर्म कब तक है, तो आपको पहले बता दें कि ये 2 भर्तियाँ प्रोसेस में है, APS और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा तैयारी, उसके बाद नंबर जो है वो LT ग्रेड विज्ञापन का बहुत ही जल्द विज्ञापन उसका जो है उसके बारे में संक्षिप्त नोटिस पहले आ जाएगी, उसके बाद विज्ञप्ति जारी होगी, कहीं पर कोई दिक्कत लफड़ा नहीं है। पदों की संख्या को लेकर के भी बता दिए, तो पदों की संख्या जो है वो 7000 प्लस पद रहेंगे, अब उसमें 7200-7300-7500 तक हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही मान के चलिए कि 7000 तक पद जो है आएंगे ELT ग्रेड और प्रवक्ता में, तो उसकी भी विज्ञप्ति कब तक है इसके बारे में एग्जाम को लेकर के अगर उसको पूछेंगे तो अभी थोड़ी सी उसमें इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी एग्जाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। सिर्फ एग्जाम की चर्चा जो कर रहे हैं वो अपन निश्चित सूची की कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम नवंबर माह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट करा सकता है जो कार्यप्रणाली है और जो आवश्यकता है इस पद की, क्योंकि 2013 के बाद ये भर्ती आई है, और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो होगा उसकी चर्चा जो होगी अगली वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट की खबरें जब भी कोई वीडियो पड़े, छोटी हो या बड़ी खबरें हो, प्रतियोगी छात्रों के हित की होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ।